हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। एंड आज के वीडियो रिगार्डिंग कैसा रहेगा आपका करियर लाइफ इन जनरल, आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मे मंथ 2021 कैसा रहेगा आपके लिए। सो यू नो, सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोज पोस्ट करूँ आपको उसकी जल्द से जल्द सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप इन डेली टैरो रीडिंग, वास्तु टिप्स, फेंग शुई टिप्स जानना चाहते हैं रिगार्डिंग करियर, लव लाइफ एंड हेल्थ, सो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जहाँ पर मैं नो टैरो रीडिंग्स एंड टिप्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। एंड यू नो, सभी पूछते हैं कि हम इस रीडिंग को कैसे फॉलो करें, क्या बेस हम रखें। सो आप चाहे अपनी नाम की राशि से, सन साइन, मून साइन, किसी के भी बेसिस से फॉलो कर सकते हैं। टैरो कार्ड्स में हमेशा कहते हैं कि जो राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं आप उसके अकॉर्डिंग उसे फॉलो करें, सो आपके लिए बहुत ही अच्छा एंड आपको करेक्ट रीडिंग्स मिलती हैं। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हैं। तो चलिए इसके बाद में आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। हेलो जेमिनीज, सो यस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नो आपकी कैसी एनर्जीज दिख रही है काम को लेकर आपके नो फॉर दी मे मंथ। सो यहाँ पे कार्ड है ना, द गार्डियन ऑफ अबंडेंस के कार्ड है। ये कार्ड का एक्चुअल मीनिंग कुछ ऐसा होता है जहाँ पे नो आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं कि बस मे मंथ में ही हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाए, नो लाइफ सेट हो जाएगी, बस इतनी सी चीज़ हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। एंड मे बी आप कुछ चीज़ों को लाइफ में करने के लिए एक्साइटेड भी हो, ड्रीम्स भी देख रहे हो, पॉजिटिव हो, बहुत आपकी अच्छी एनर्जी है लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा करने की। सो वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव कार्ड। एंड ये बताता भी है कि मे बी आपके पास वो सारे स्किल्स हैं, वो सारी काबिलियत है जेमिनीज, जहाँ पे आपको लगता है कि नो ये पोजीशन मैं डिज़र्व करता हूँ एंड अगर मैं मेहनत भी कर रहा हूँ तो मुझे वो मुकाम पर पहुँचना है, तब मैं नो लाइफ में सेटिस्फाई फील करूँगा। सो दिस इज़ वॉट आई सी एंड आई सी ग्रोथ ऑल्सो, आई सी इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। थोड़ा टाइम लगेगा बट है, बट पहला कार्ड की आपकी जो एनर्जी वाइब है ना वो बहुत अच्छी है और क्लियर है कि भई आपको पता है आपको लाइफ में ये गोल चाहिए, ये टारगेट चाहिए, बट यू नो आप उस पर चल रहे हैं, बट कभी कभी गाड़ी स्लो हो जाती है, बट इट्स अ वेरी क्लियर ड्रीम आपके मन में सेट है। आगे अगर हम बात करें तो सैटर्न के कार्ड आए हैं, जो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि मे बी जो अब आपकी माइंड में जो आपकी ड्रीम्स की स्पीड है, जब आप वो एग्जीक्यूशन में करने जाते हैं, जब आप वो करने जाते हो तो पता नहीं कई बार आपको उसमें स्टक फील हो सकता है, आपको लग सकता है यार ये काम मेरा बस होते होते रह गया, या आप रेस्टलेस हो सकते हो, भाई मेरा काम होते होते डिले क्यों हो जाता है, मेरी जर्नी इतनी लंबी क्यों है, मैं इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाता हूँ। बिकॉज़ यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो जैसे रास्ता जा रहे काफ़ी लंबा है एंड यहाँ पर ये पर्सन उसका वेट कर रहा है, चलना भी है, तो नो सैटर्न कभी कभार चीज़ों को स्लो कर देते हैं, जो आपकी स्पीड होती है, जो आपको काम करना होता है उसको स्लो करते हैं, बिकॉज मे बी सैटर्न ऐसे प्लैनेट है जो आपको पेशेंस सिखाना चाहते हैं, जो आपको यू नो कहते हैं कि नो टेक इट ईजी, काम डाउन, ये एनर्जीज हैं। एंड यू नो आगे अगर मैं बात करती हूँ तो आपके पास जेमिनी के कार्ड्स आए हैं, जेमिनी राशि वालों के लिए जेमिनी के कार्ड्स आए हैं, व्हाट अ कोइंसिडेंस। सो यहाँ पर ये एनर्जीज आपके बारे में कहती हैं कि नो ये मंथ में पहली चीज़ तो आप समझ लें कि आप अगर कोई क्रिएटिव काम में हो, आप अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, आप कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, डेफिनेटली इट्स अ येस, बट टेक इट ईजी स्लोली। मतलब मैं मस्ट नहीं कहूँगी इस मंथ में चालू करो, बिकॉज अगर आप चालू करते भी हो तो उसको आपको स्लो सक्सेस मिलेगी, टाइम लगेगा। मतलब कहते हैं ना कि एक पहली ईट रख दो, उसके बारे में प्लानिंग सोचना करना स्टार्ट कर दो, नो प्रॉब्लम, एंड इट विल टेक सम टाइम बट यू कैन स्टार्ट। स्टार्टअप में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टार्ट होते एकदम सक्सेस मिल जाए मैं वो नहीं कहूँगी, बट येस प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप वो सब आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कोई नया कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी खुद की जो भी उनका काम है वो कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने स्किल्स को शार्पन कर रहे हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं, बिकॉज इस मई मंथ में ना जितना आप अपना माइंड, अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट को शार्प करोगे वो वक्त आपका उतना अच्छा है। क्योंकि अगर मैं यू नो कहीं ना कहीं आपकी बात करूँ प्रमोशन की, लेवल अप होने की, एक इंक्रीमेंट की, अगर आप जॉब के लिए भी देख रहे हो तो यू नो इस मंथ में एनर्जीज आगे जाके ऐसी दिखती हैं। यू नो यहाँ पर द स्नेक नेम के कार्ड्स हैं, अब ये कार्ड ऐसा बताता है एंड साथ में सैटर्न भी है। अब ये दोनों कार्ड की वाइब ऐसी ना, मैं अगर आपको स्नेक कार्ड की एनर्जी बताऊँ तो ऐसी होती है जहाँ पे दिखता है कि नो आप शायद अगर अपने काम में हो, ऑफिस में हो, जैसे मैंने कहा ना कि आपके काम होते होते रुक रहे हैं, आप अटक रहे हो उसमें, एंड यहाँ पे जो स्नेक वाली वाइब ऐसी दिखती है, कहते हैं ना कि हम सब कुछ अच्छा करें, हम सबके साथ अच्छे, बट पता नहीं कोई हमसे जेलस होकर हमारा काम बिगाड़ देता है, या पता नहीं क्यों कैसे मेरा काम बिगड़ जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, या बस मेरा काम होने ही वाला है, एक पर्सन ने उसको अटका के रखा है,
मुझे बस ये एक जगह से अप्रूवल आ जाए, मेरा काम हो जाएगा. सो नो, इस तरीके की मुझे बाधाएं दिखती हैं, इस तरीके की मुझे प्रॉब्लम्स दिखती हैं जेमिनीज इन दिस मंथ में. सो इसीलिए आपके लिए सजेस्टेड है कि टेक इट ईजी. आपके मन में प्लानिंग बहुत अच्छी है, आपकी एनर्जी. सो नो, दिस इज़ वॉट आई सी कि नो, काम होते हैं बट अगेन कोई प्रॉब्लम आके रुक जाता है. बट नथिंग टू वरी, अगर इस तरीके के डिलेज आप एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं, आपने सिर्फ यू नो शार्प माइंडेड रहना है, चौकन्या रहना है कि नो, अगर आपसे कोई जेलस हो रहा है, कोई नेगेटिविटी है, सो आप उनसे और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना हो. इट्स बेटर कि आप जितना सेफ गेम खेले उतना अच्छा है आपके लिए इन दिस मंथ जेमिनीज. एंड हैव पेशेंस, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपके पास काबिलियत है, टैलेंट है, ड्रीम है, एवरी थिंग इज़ जस्ट रेडी. सिर्फ बस अभी टाइम आए तो आपका काम बने, ऐसी चीज़ें मुझको दिख रही हैं जेमिनीज आपके लिए. सो यू नो, सैटर्न है यहाँ पर स्नेक के कार्ड, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट साथ ही साथ मुझे आपकी स्किल्स और टैलेंट भी दिख रहे हैं. सो होप फॉर द बेस्ट, ड्रीम फॉर द बेस्ट. एंड यू नो, यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये मंथ बहुत अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने यू नो कुछ ना कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्किल्स हैं, कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, एजुकेशन है, उस तरीके की चीज़ें हैं. सो ज़रूर कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा माना जाएगा. बिकॉज अगर ये टाइम पे आपको ऐसे, जिन लोगों की लाइफ ऑलरेडी जॉब चल रहा है, नॉर्मल है, उनके इसमें मेरे को कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं दिखते. बस हाँ, अगर आपको लगता है कोई लोग आपसे जेलस हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, सो इट्स बेटर कि आपने उनसे और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी, इनफैक्ट और सेफ जोन में चल के चलना है. सो अच्छा और बेहतर माना जाएगा जेमिनीज आपके लिए. सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू. सो नो, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं इन दी मे मंथ में. इफ़ सो, देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. थैंक यू सो मच.